दोस्तों आज हम बात करेंगे चोपटा टूर के बारे में। यह वो जगह है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर मौजूद है। इतना ही नहीं, ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिलिंग और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए तो यह एक जन्नत के समान है। चोपटा को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और बेहद कम खर्चे में आप इस टूर को कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि पूरे साल यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो यार आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पहुंचाते रहें। तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज घूमते हैं भारत का मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा। दोस्तों चोपटा उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन जब आप गूगल मैप पर देखेंगे तो रुद्रप्रयाग जिले में दो चोपटा देखने के लिए मिलते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में। गूगल मैप पर सर्च करते वक्त रुद्रप्रयाग को चोपटा लिखने पर एक दूसरा चोपटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप चोपटा की जगह चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड लिखेंगे तो आप सही लोकेशन पर पहुंच पाएंगे। तो गूगल मैप का प्रयोग करते वक्त विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ही लिखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में ही स्थित है। देहरादून एयरपोर्ट से चोपटा तक के बीच की दूरी 223 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार, ऋषिकेश या कोटद्वार में स्थित है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 229 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से चोपटा 209 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। वहीं कोटद्वार रेलवे स्टेशन से 232 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रेल मार्ग के थ्रू इन सभी शहरों में पहुंच सकते हैं। बाकी ये सारी दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। चलिए तो बाय रोड ही देखते हैं कि हमें चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आखिर पहुंचना कैसे है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश साइड से आते हैं तो यही एक मुख्य मार्ग है चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंचने का। हरिद्वार से कुछ डायरेक्ट बसेस चलती हैं जो वाया ऊखी मठ होते हुए गोपेश्वर तक जाती हैं। वो आपको डायरेक्ट चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ड्रॉप करेंगी। आप चाहें तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर जाने वाली बसेस को यूज कर सकते हैं। आप शेयर टैक्सी से भी आ सकते हैं, आप चाहें तो अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करके भी चोपटा तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से बात करूं तो अगर आप शेयर टैक्सी या बसेस के थ्रू चोपटा तक आना चाहते हैं तो 500 से 550 रुपए आपके खर्च होंगे, आप हरिद्वार से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंच जाएंगे। बट अगर आप कोटद्वार वाले मार्ग से आते हैं तो आपको कोटद्वार से पौड़ी होते हुए श्रीनगर आना होगा और उसके बाद रुद्रप्रयाग होते हुए चोपटा तक पहुंचेंगे। पौड़ी एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ से भी बहुत सारी बसें चलती हैं। यहाँ से जो बस वाया ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर जाती है वही बस आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड ड्रॉप करेगी। आप चाहें तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के दौरान या चारधाम यात्रा के दौरान भी चोपटा तुंगनाथ महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते वक्त आप चोपटा होकर ही आगे बढ़ेंगे, तो एक रात का स्टे करने के बाद आप चोपटा घूम सकते हैं। बाय रोड इस यात्रा का एक अलग ही आनंद रहता है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार, बाइक लेकर भी आ सकते हैं और यहाँ के रोड बेहद ही खूबसूरत हैं और ये जर्नी आपकी एक मेमोरेबल जर्नी में से एक रहने वाली है। तो ये सारी बातें होती हैं चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुँचने की। बात करते हैं कि वहाँ पर होटल कहाँ कहाँ मिलेंगे, कितने उनका टैरिफ रहने वाला है। देखिए चोपटा एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर होटल की स्टार्टिंग 700-800 रुपए से हो जाती है। रोड साइडेड ही पार्किंग है जो पूरी तरह से फ्री है। यहाँ के वेदर की बात करते हैं तो बहुत ठंडा यहाँ का वेदर रहता है। ठंडा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ठंडा यहाँ का वेदर रहता है जो पूरे साल ऐसा ही बना रहता है। तो जब भी आप यहाँ आए, किसी भी महीने में आए, लेकिन गर्म कपड़े साथ में जरूर लेकर आए। अच्छा एक बात आपको मैं और बता दूं, यहाँ जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव का, वो मई महीने में ही ओपन होता है और दीपावली तक खुला रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग के शौकीन टूरिस्ट यहाँ पूरे साल आते हैं। यहाँ हर महीने में आने का एक अलग ही मजा है।
अगर आप बर्फ को एंजॉय करना चाहते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में आ जाइए। लेकिन अगर आप मार्च, अप्रैल के मंथ में आते हैं तो आप यहाँ की खूबसूरती का एक दूसरा लेवल देखेंगे। उस समय यहाँ बुरांस के फूल खिल उठते हैं और यहाँ की जो वादियाँ हैं बहुत सुंदर लगने लगती हैं। बरसात के सीजन में आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से पूरे साल यहाँ टूरिस्ट अलग अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो मई से लेकर दीपावली तक के बीच में आप आइए, आपको मंदिर के कपाट खुले मिलेंगे। बट अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप पूरे साल कभी भी आ जाइए, पूरे साल यहाँ भीड़ लगी रहती है, पूरे साल यहाँ अच्छी खासी चहल पहल रहती है। चलिए बात करते हैं कि चोपटा में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए, चोपटा का जो मेन अट्रैक्शन है वो है तुंगनाथ टेम्पल। चोपटा एक छोटा सा गांव है, मेन टैक्सी या बस स्टैंड के पास से ही ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है जो तुंगनाथ टेम्पल तक जाता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जो अपहिल है, काफी खड़ी चढ़ाई है। आप चाहे तो पैदल कर सकते हैं, आप चाहे तो घोड़ा या खच्चर के थ्रू जा सकते हैं। घोड़े खच्चर वाले दोनों साइड का जो चार्ज लेते हैं वो 1200 रुपए है। अगर आप वन वे करना चाहते हैं यानी सिर्फ ऊपर तक जाना चाहते हैं तो 800 रुपए पे करके आप घोड़े से इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन 4 किलोमीटर का ट्रैक है, टफ है लेकिन छोटा है, तो आप पैदल भी इसको आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे जाइए, रुकते रुकते जाइए और चोपटा की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए आराम से ट्रैक को 3-4 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपकी स्पीड और स्टैमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ज्यादा स्टे करेंगे, जितना ज्यादा रुक रुक कर इस ट्रैक को पूरा करेंगे, उतना ज्यादा चोपटा की खूबसूरत वादियों को आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा 2009 में यहाँ पर टिकट का एक नियम लागू किया गया था जिसमें टिकट चार्ज एक व्यक्ति का 150 रुपए रखा गया था। अगर आपके पास प्रोफेशनल वीडियो कैमरा है तो उसके लिए अलग से 50 रुपए का टिकट लेना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। ये टिकट केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य यानी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर से लिया जाता था, क्योंकि चोपटा पूरा शहर और तुंगनाथ मंदिर ये सभी पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है। यहाँ पर कैंपिंग के लिए भी अलग से चार्ज लिया जाता था। अगर आप अपना कैंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लिया जाता है। 4 किलोमीटर का यह ट्रैक बहुत सुंदर है। मार्च के बाद तो यहाँ बुरांस के फूल खिलने के कारण यहाँ की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाते हैं। बुरांस के फूल बेहद खूबसूरत रहते हैं। रेड कलर के, पिंक कलर के ये खूबसूरत फूल यहाँ की वादियों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। पूरा ट्रैक पहाड़ी पत्थरों से तैयार किया गया है। ट्रैक की चौड़ाई ज्यादा नहीं है और पूरी तरह से अपहिल है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। जैसे केदारनाथ यात्रा अगर आपने की है तो ठीक वैसी ही खड़ी चढ़ाई है, लेकिन वादियाँ बेहद ज्यादा खूबसूरत है। कुछ ही दूरी पर चलने पर आपको एक बुग्याल देखने के लिए मिलेगा। बुग्याल उस जगह को कहते हैं जहाँ घास का हरा हरा मैदान आप देख पाएंगे। ये जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, साथ साथ प्रकृति के खूबसूरत नजारों को भी निहार सकते हैं। हम जब गए थे तो हमने यहाँ 1 घंटा विश्राम किया और आसपास के नजारों को भी इंजॉय किया। लेकिन अगर आप दिसंबर या जनवरी या फरवरी के मंथ में आते हैं तो आप इस जगह कदम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पूरी ही ये बुग्याल 3-4 फुट तक बर्फ से कवर हो जाती है, जिसपे चलना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन मार्च के बाद अक्टूबर नवंबर तक आपको पूरी तरह से यहाँ हरा भरा घास का मैदान देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा भी मौजूद है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे चलते रहिए, नेचर को एंजॉय करते रहिए। अच्छा, इस 4 किलोमीटर के ट्रैक में जो हम व्यूज देखते हैं वो अल्टीमेट है, वो शायद हम कहीं और नहीं देख पाते हैं। एक साइड में एल्पाइन के ट्री, एक साइड में गगनचुंबी हिमालय पर्वत, बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और साथ में बहुत ठंडा वेदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती रहती है। बहुत पीसफुल जगह है। ये 4 किलोमीटर का ट्रैक आपकी लाइफ का बेहद खास एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। जैसे ही आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो मंदिर से थोड़ा पहले बाईं ओर एक कुंड मौजूद है। फिलहाल इस कुंड में पानी नहीं है। थोड़ा आगे आते ही तुंगनाथ मंदिर का मुख्य द्वार हमें देखने के लिए मिलेगा। मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। तुंगनाथ महादेव मंदिर 5000 साल पुराना है जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार में से तृतीय केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के हम भुजाओं और हृदय के दर्शन करते हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर की संरचना बहुत ही अद्भुत है। मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी बाबा की पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जो कि तुंगनाथ महादेव की तरह मुख किए हुए है। मंदिर की छत को पत्थर से बनाया गया है और उसके ऊपर लकड़ी का एक गुंबद बना हुआ है जिसमें 16 छेद हैं। मंदिर का निर्माण बेहद ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। तुंगनाथ महादेव मंदिर को पंच केदारों में सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। पंच केदारों में केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 3583 मीटर, रुद्रनाथ मंदिर की ऊंचाई 3559 मीटर, वहीं मध्यमेश्वर मंदिर की ऊंचाई 3490 मीटर
और कल्पेश्वर मंदिर की ऊंचाई 2200 मीटर है और तुंगनाथ मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान जिस गुफा में हम दर्शन करते हैं वह भी भगवान शिव को ही समर्पित है और उस गुफा की ऊंचाई 5486 मीटर है। तो उस लिहाज से अमरनाथ गुफा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की शिवलिंग वहां मौजूद है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बावजूद इसके तुंगनाथ मंदिर को सबसे ऊंचा शिव मंदिर क्यों कहा जाता है, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तुंगनाथ मंदिर में आप दर्शन करिए, उसके बाद बराबर में ही भैरव बाबा का मंदिर है, वहां भी आप दर्शन जरूर करिएगा। तुंगनाथ मंदिर की परिक्रमा करने के बाद आप दर्शन यहाँ से आप चंद्रशिला ट्रैक के लिए भी जा सकते हैं, जिसकी यहाँ से दूरी मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर है और चंद्रशिला टॉप की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 4000 मीटर है। चंद्रशिला टॉप की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधे से कुछ ही कम है। यह भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से आप 360 व्यू हिमालय पर्वत का देख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। जनरली यहाँ पर बहुत ज्यादा फोग, बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण हम अच्छे व्यूज नहीं देख पाते हैं, लेकिन 1 से 1.25 किलोमीटर का ये ट्रैक भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है। पतला सा ये ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है और पूरी तरह से अपहिल है। यहाँ भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इन सब के अलावा चोपटा में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूमने जरूर जाइएगा। चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड से करीब 6 किलोमीटर पहले एक बनिया कुंड नाम से जगह है, ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कैंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर फूड ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे होटल्स वगैरह अवेलेबल है। ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बनिया कुंड में आप ट्रैकिंग के लिए निकल सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, रोड साइड ही ये जगह स्थित है और यहाँ से जो व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं वो भी अपने आप में बेहद अल्टीमेट है। अगर आप यहाँ स्टे नहीं भी करना चाहते हैं तो 1 घंटा आपको यहाँ जरूर बिताना चाहिए। ऊखी मठ से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के बीच में ही ये जगह पड़ती है और चोपटा से मात्र 5 से 6 किलोमीटर पहले बनिया कुंड मौजूद है, तो यहाँ आप जरूर कुछ देर रुकिएगा। इसके अलावा एक दुग्गल बिट्टा भी एक जगह पड़ती है जो 6.8 किलोमीटर चोपटा से पहले स्थित है। यहाँ आप ऑर्गेनिक हिमालयन विलेज को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हरे भरे बुग्याल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। चोपटा के सबसे ज्यादा रिजॉर्ट दुग्गल बिट्टा में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जैसे माउंटेन साइकिलिंग आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज को आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इन सबसे पहले ऊखी मठ आप जरूर रुकिएगा, जो चोपटा से 30 किलोमीटर पहले स्थित है। यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसे शीतकालीन केदारनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो वहां से केदारनाथ बाबा की डोली को ऊखी मठ में ही ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है। सर्दियों में 6 महीने यहीं पर ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ पर मौजूद हैं या केदारनाथ कपाट खुलने से पहले, बंद होने के बाद आप यहाँ मौजूद हैं तो आप यहाँ पर केदारनाथ बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। इन सब के अलावा देवरिया ताल एक जगह है जो चोपटा से 23 किलोमीटर पहले ही रास्ते में पड़ जाता है। रास्ते में एक कट पड़ता है जिसे सारी देवरिया ताल रोड नाम से जाना जाता है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर ऊपर की ओर सारी विलेज है, जहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के पैदल ट्रैक करने के बाद आप देवरिया ताल तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। देवरिया ताल से आप चोखंबा पीक का भी बेहद खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। ये जितनी भी साइट्स मैंने आपको बताई हैं, बनिया कुंड, दुग्गल बिट्टा, ऊखी मठ और देवरिया ताल, ये सब रुद्रप्रयाग से या फिर कह लीजिए अगस्त मुनि कुंड से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के बीच में ही स्थित हैं। तो इन सभी जगहों को आप कवर करते हुए चोपटा तक पहुंच सकते हैं, या फिर चोपटा तुंगनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद रिटर्न आते वक्त भी आप इन सभी जगहों को कवर कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा समय आपका नहीं खर्च होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारी जगह आपके पास मिल जाती है चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आने के बाद। इन सभी साइट्स को आप जरूर कवर कीजिएगा। एक खास बात और है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी आप इस खूबसूरत यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते वक्त, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड आ सकते हैं। वन नाइट स्टे करके आप तुंगनाथ महादेव दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है इस यात्रा को पूरा करने का। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या आपको साथ लेकर जाना चाहिए। देखिए, आप चोपटा तुंगनाथ महादेव दर्शन करने के लिए किसी भी महीने में आ जाइए, पूरे साल आपको गर्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अप्रैल मंथ की मैं बात करूँ तो तुंगनाथ महादेव का टेम्परेचर -5 -6 तक चला जाता है और दिन का वहाँ टेम्परेचर 10 से 12 तक रहता है। अगर रेनी सीजन में आते हैं तो रेनकोट, अम्ब्रेला भी लाना
आपको मैंडेटरी होगा। इसके अलावा इसेंशियल मेडिसिन किट अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का आप शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में सर दर्द होना, बदन दर्द होना लाजमी है, तो पेन किलर वगैरह या इसेंशियल मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिएगा। अगर आपको ट्रैकिंग करते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है चलने में, तो आप स्टिक अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे आपको चोपटा में ही लकड़ी की स्टिक देखने के लिए मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड में जहां आप होटल में स्टे करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू रहता है। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर सोलर पैनल के थ्रू ही चलाई जाती है, तो दिन के समय वहां पर लाइट नहीं रहती है। तो हो सके तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा पावर बैंक वगैरह रख सकते हैं अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो वहां पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है सिवाय जियो के, तो हो सके तो जियो का सिम अपने साथ जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ये कुछ भी चोपटा में काम नहीं करता है। ट्रैकिंग के लिए आप स्पेशल ट्रैकिंग शूज अपने साथ जरूर रखें, या कोई भी स्पोर्ट्स शूज आप जरूर लेके जाइएगा। नंगे पैर या स्लीपर में आप इस ट्रैक को ना करें, क्योंकि पूरी तरह से बहुत खड़ी चढ़ाई है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब बातें होती हैं कि क्या क्या आपको साथ लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कितने दिन का टूर प्लान करें। देखिए, टूर प्लान आप पर डिपेंड करता है कि आप चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड किस समय पहुंचते हैं। अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो वन नाइट स्टे करके भी आप पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी मॉर्निंग में अगर आप चोपटा पहुंचे हैं तो उस दिन आप तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला ट्रैक के लिए निकल सकते हैं। रिटर्न आने के बाद आप रात को चोपटा में स्टे कीजिए और नेक्स्ट डे आप रिटर्न आते वक्त बाकी सारी साइट्स को विजिट कर सकते हैं। बट अगर आप चोपटा इवनिंग में पहुंचे हैं तो नाइट स्टे आपको चोपटा में करना होगा, नेक्स्ट डे आप तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला ट्रैक पर जाएंगे, उसके बाद वापस उस रात भी आपको रुकना पड़ेगा। बट अगर आप जल्दी आ जाते हैं, वहां से दोपहर तक आ जाते हैं, तो आप रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन इवनिंग में बाकी साइट्स को कवर करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दो रात का स्टे आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा अच्छे से आप इंजॉय भी कर पाएंगे। चोपटा में मार्केट नहीं है, नाइट लाइफ में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटा सा गांव है, बस आसपास में कुछ होटल्स हैं, ढाबे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नाइट का कोई भी यहाँ पर आपके लिए शॉपिंग से संबंधित कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। फूड ऑप्शंस यहाँ पर ज्यादा नहीं है, सभी तरह का वेजिटेरियन फूड ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ का लोकल फूड को आप इंजॉय कर सकते हैं, जिससे मंडवे के आटे की रोटी बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है। गढ़वाल क्षेत्र में मंडवे के आटे की रोटी का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है, तो हो सके तो आप यहाँ के लोकल फूड को भी चोपटा में इंजॉय जरूर करें। इसके अलावा चोपटा आने के बाद यहाँ के स्थानीय फूल बुरांस का जूस भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मालूम किया 2 लीटर की जूस की बोतल 130 रुपए की है, वहीं बुरांस के फूल की 1 लीटर जूस की बोतल 70 से 75 रुपए की मिल जाती है। किसी भी शॉप से आप आसानी से उसे परचेज कर सकते हैं। बजट की बात करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा बजट नहीं लगने वाला, जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि बेहद कम बजट में आप इस पूरे टूर को कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर में आप भारत के मिनी स्विट्जरलैंड को एंजॉय करेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक आप जाएंगे, चोखंबा पीक, नंदा देवी पीक जैसे बड़े बड़े हिमालय पर्वत के शानदार नजारों को एंजॉय कर पाएंगे। तो उस लिहाज से जिस तरह के यहाँ पर आपको व्यूज देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिस तरह का आप एंजॉयमेंट एडवेंचर आप यहाँ पर करने वाले हैं, तो उस हिसाब से 2500, 3000 या 4000 रुपए ही आपका यहाँ पर खर्च होगा, तो जो एक बहुत कम अमाउंट है इतनी खूबसूरत जगह को एंजॉय करने के लिए। इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, डिपेंड करता है आप शेयरिंग पे जाते हैं तो और भी कम बजट में आप पूरी टूर को इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जब अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि और कुंड तक आने के बाद रास्ता कट जाता है जो चोपटा की ओर जाता है, और एक सीधा रास्ता केदारनाथ धाम की ओर निकल जाता है। तो ऐसे में जो रास्ता कुंड से चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड तक जाता है, ये रास्ता बहुत अपहिल है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो ऐसे में ड्राइविंग करते वक्त आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई बेहद कम है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी। तो ये थी सारी जानकारी चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड की, तुंगनाथ महादेव की, चंद्रशिला ट्रैक की और बहुत सारी अलग अलग साइट्स की, साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज की। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करता हूं, सभी के कमेंट पढ़ता भी हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।